हेलो बच्चों, कल हमने हमारी कविता अगर मेरे पंख होते पढ़ी थी और समझी थी, और हमने इसके कुछ प्रश्न उत्तर भी किए थे। आज हम करेंगे इसके आगे के प्रश्न और उत्तर, लेकिन हम थोड़ा सा जान लेते हैं हमने कल के वीडियोस में क्या किया था। हमने किया था बताओ क्या पढ़ा, पंख होने पर आप क्या करेंगे, तारे कहाँ है, बारिश होने पर बालक क्या करता। तो ये तीन प्रश्न हमने मौखिक भाषा में किए थे। फिर हमने लिखित में किया था सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ, अगर मेरे होते मेरे पंख होते बादल पर अपना बनाता, बादल पर अपना घर बनाता, दुनिया में सबसे होता आगे कोई ना मुझे पकड़ पाता। फिर हमने किया था सही मिलान करो, आकाश में तारों से मिलता धीरे धीरे ऊपर जाकर सूरज को छू लेता, काश अगर मेरे पंख होते। फिर हमें कुछ पंक्तियां दी गई थी, हमें उनको पूरा करना था, जैसे बारिश जब होती तो मैं पेड़ पर छुप जाता, धूप निकलती तो इंद्रधनुष को देख बहुत खुश हो जाता, लेकिन काश अगर मेरे पंख होते। तो बच्चों ये सब कार्य था हमारा पिछले वीडियोज़ में, हमने पिछले वीडियोज़ में ये सब कार्य कर लिया था। आगे हम करेंगे प्रश्न और उत्तर। देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखो। कुछ प्रश्न हमें दिए गए हैं, इन प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। तो देखिए बच्चों, बालक पंख होने पर क्या क्या करता। दूसरा प्रश्न है हमारा, बालक अपना घर कहाँ बनाता। तीसरा है, बारिश होने पर बालक कहाँ छिप जाता और क्यों। आगे है, क्या देखकर बालक खुश हो जाता। तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार है, बालक पंख होने पर क्या क्या करता, बालक के पंख होने पर आकाश में तारों से मिलता, बादल पर अपना घर बनाता, चांद को पकड़ कर लाता और सूरज को छू लेता। बच्चों ये था हमारा प्रश्न फर्स्ट जिसका हमने उत्तर किया है। दूसरा है, बालक अपना घर कहाँ बनाता, बालक अपना घर बादल पर बनाता। आगे है, बारिश होने पर बालक कहाँ छिप जाता और क्यों। बच्चों पूछा गया है कि बारिश अगर होती तो बालक कहाँ जाता, यानी कहाँ छिपता और क्यों छिपता। तो इसका सही उत्तर है, बारिश होने पर बालक पेड़ पर छिप जाता क्योंकि इससे वह बारिश में भीगने से बच जाता। आगे है, क्या देखकर बालक खुश हो जाता, बालक इंद्रधनुष को देखकर खुश हो जाता। तो बच्चों ये थे हमारे प्रश्न और उत्तर। आगे करेंगे हम भाषा ज्ञान यानी व्याकरण। व्याकरण में देखिए हमारा प्रश्न है पर्यायवाची शब्द लिखो। बच्चों पर्यायवाची शब्द की परिभाषा होती है समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उनके समान अर्थ वाले शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्दों को लिखना है। तो देखिए बादल, बादल का पर्यायवाची शब्द है, दो पर्यायवाची शब्द हमें लिखने हैं। तो पहला है मेघ, दूसरा है पयोद। घर, घर के पर्यायवाची शब्द सदन और आवास। चांद के पर्यायवाची शब्द चंद्रमा और शशि। सूरज के पर्यायवाची शब्द भानु और सूर्य। तो बच्चों ये थे पर्यायवाची शब्द। आज आपको आपकी ग्रह पुस्तिका में प्रश्न नंबर 5 और 6 आपको अपनी पुस्तिका में करना है और साथ ही आपको याद भी करना है। तो बच्चों ये हमारा पर्यायवाची शब्द यानी भाषा ज्ञान, ग्रामर और लिखित प्रश्न हमने किए। कल हम करेंगे इसके आगे के प्रश्न। So have a nice day.